ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार जीविका भर्ती 2019 के बारे में कुछ सवालों के जवाब, जो कि आप लगातार मुझसे अलग वीडियो के ऊपर पूछ रहे हो, क्योंकि मैं अभी तक इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने आपको इसके कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके कुछ बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनके जवाब मैं आपको उन वीडियो के अंदर नहीं दे पाया हूँ, और इसीलिए मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको उन सवालों के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा और उनके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन दे पाऊंगा कि जो आप पूछ रहे हो वो सही है या गलत है। तो चलिए मैं आपको इन सवालों के जवाब देना शुरू कर देता हूं। दोस्तों आपका जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाने वाला है वो है, एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे ये पूछा है कि सर बताइए कि एक से ज़्यादा पोस्ट पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और साथ ही इसी सवाल से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि अगर हम कर सकते हैं तो क्या हमें दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग पेड करनी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, और जब आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस भी दोनों पोस्ट के लिए देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों ये जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल है, और ये जानकारी मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इनके यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है बिहार जीविका की वेबसाइट पर, वहाँ पर मैंने कॉल करके इसके बारे में जानकारी ली है। उन्होंने ही मुझे ये बताया कि एक पोस्ट से ज़्यादा पर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है, सिलेबस क्या है और कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें। दोस्तों वैसे तो मैं सिलेबस के ऊपर एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ, जो कि इसके एक्सपेक्टेड सिलेबस है, यानी कि क्योंकि तब तक इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया गया था और आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें सिलेबस के बारे में बताइए ताकि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर सकें। तो दोस्तों तब इसका ऑफिशियल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जारी नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रिपरेशन की तैयारी को देखते हुए आपके लिए एक जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है या फिर आपको लास्ट एग्ज़ाम का सिलेबस बोल सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं अभी के सिलेबस के बारे में कि अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है या नहीं किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है और मैं आपको इसी वीडियो में उस सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहले उस सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूं, उसके बाद मैं आपके कुछ और सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों सिलेबस के बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट देखने को मिले और बहुत सारे लोग चाहते कि हम तक भी ये जानकारी पहुँचे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए अब मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ। दोस्तों सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट से FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ प्रोसेस सामने आ जाएगी, यानी कि जो आप लोग सवाल पूछते हो उनमें सवाल यहां पर पहले से ही रजिस्टर्ड है और इनमें आपको उनके सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। जैसे कि पहला है पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करो तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों मैं आपको ये जानकारी बाद में बताऊँगा, लेकिन जो आपका मेन सवाल था सिलेबस वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर दिया गया है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, इसके बारे में पहले तो आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। यूनिवर्स ऑफ द क्वेश्चन बैंक वुड कंसिस्ट ऑफ द डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट एज पुट फॉरवर्ड, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट सेक्टर्स, नेशनल इंटरनेशनल एनजीओस एनपीओस एंड सिविल सोसाइटीज ऑपरेशनल इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू दियर प्रोग्राम्स फॉर बिहार BRLPS जीविका, थीमेटिक एंड डोमेन्स ऑफ डिफरेंट पोजिशन एडवर्टीज, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी, मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड, रीजनिंग और कंप्यूटर प्रोफेंसी
इन एमएस ऑफिस जनरल स्टडीज, ये एक जिसका सिलेबस है ये एक बेसिक है, लेकिन अभी मैं आपको पोस्ट वाइज सिलेबस बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके नीचे यहाँ पर आपसे एक लिंक दिया गया है, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है रिटन एग्जाम सिलेबस, तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पहला जो फर्स्ट फेज के अंदर रखा गया है वह है ऑल प्रोजेक्ट मैनेजर्स असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर और असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट है उनके लिए ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है। इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वह है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश कंप्रेशंस, कंप्यूटर, थ्रीमेटिक, सोशल जीके। और रीजनिंग के लिए आपको 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स दिए जाएंगे, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हो टोटल क्वेश्चन टोटल मार्क्स। मैथ के लिए आपको 5 क्वेश्चन, इंग्लिश कंपोजिशन के लिए भी आपको 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए भी आपको 5 क्वेश्चन और थ्रीमेटिक के लिए आपको 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स दिए जाएंगे। सोशल जीके के लिए आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसका जो ग्रैंड टोटल रहेगा वो 50 रहेगा, यानी कि आपका इन पोस्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो 50 नंबर के लिए होगा। अगला जो फेज है वो फेज टू है, यानी कि सेकंड। इसके अंदर जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की। इसके लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो है कंप्यूटर, इसके लिए इसमें आपको 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो रीजनिंग, इसके लिए आपको 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स दिए जाएंगे। मैथ है इससे अगला आपका सब्जेक्ट, इसमें आपको 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और चौथा आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश कंपोजिशन, इसके लिए आपको 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स दिए जाएंगे। पाँचवा है सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, इसके आपको 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स दिए जाएंगे। ये भी आपका 50 क्वेश्चन का रहेगा और 50 मार्क्स इसके लिए आपको दिए जाएंगे। तीसरा है एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इसी इन दिनी दो पोस्टों के लिए सबसे ज़्यादा पद निकाले गए हैं और ये पोस्टों के लिए ये सिलेबस आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वह कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, सोशल जीके। कंप्यूटर के आपका 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहेगा, रीजनिंग भी आपका 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के लिए रहेगा, मैथ भी आपका 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के लिए रहेगा। जो आपका चौथा सब्जेक्ट है वह सोशल जीके, यानी कि सोशल जनरल नॉलेज, इसके लिए आपको 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के ये भी आपका 50 क्वेश्चन का रहेगा जो आपका एग्जाम आएगा। चौथा आपका जो है वह है मैनेजर्स थ्रीमेटिक लाइवहुड स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग ऑफिसर मैनेजर, ये इसके अंदर रखी गई है पोस्ट है। और इसमें जो आपका सब्जेक्ट सिलेबस रहेगा वह है कंप्यूटर, इसके लिए आपको 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, रीजनिंग के लिए भी आपको 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, मैथ के लिए भी आपको 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स दिए जाएंगे, थ्रीमेटिक के लिए आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाएंगे और सोशल जीके के लिए आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ये भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों अगला है पाँचवा, इसमें आपके जो पोस्ट है वह ऑफिस असिस्टेंट BPIU एंड SPMU प्रोजेक्ट एसोसिएट। इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सोशल जीके, कंप्यूटर। और इसके लिए आपको जो क्रम वाइज क्वेश्चन और मार्क्स दिए जाएंगे वो है इंग्लिश के लिए 10, मैथ के लिए 5, रीजनिंग के लिए भी 5, सोशल जीके के लिए 10 और कंप्यूटर के लिए 20। इनका ग्रैंड टोटल भी 50 रहेगा। और दोस्तों छठा है अकाउंटेंट, इसके अंदर जो है BPIU एंड SPMU कैशियर। इसका जो आपका सिलेबस रहेगा उसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए वह रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, फाइनेंस, अकाउंट, सोशल जीके। और आपको इन सब्जेक्ट के लिए कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स दिए जाएंगे वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसका ग्रैंड टोटल भी 50 रहेगा। और आपका सातवा है IT एसोसिएट, इस पोस्ट का जो आपका सिलेबस है वो है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, कंपोजिशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इसके लिए आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और लास्ट का है सोशल जीके, इसका जो कुल मिलाकर के आपका रिटर्न एग्जाम का रहेगा वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको ये जानकारी दी ये इसका ऑफिशियल सिलेबस है। आप चाहे तो इस वेबसाइट के ऊपर आकर के यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो। क्योंकि ये PDF फाइल के अंदर नहीं है तो आप वेबसाइट से आकर के यहाँ से इस पेज को सेव कर सकते हो, ताकि आप जब आप ऑफलाइन हो तब भी आप इस पेज को ओपन कर पाओ। और दोस्तों अब जैसे अभी जो मैंने आपको बताया है आप इसको एग्जाम पैटर्न बोल सकते हो, यानी कि जो आपको अपनी तैयारी करनी है एग्जाम की वो आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर करनी है। जैसे कि मान लो आपने इन पोस्ट का फॉर्म भरा है ऑल प्रोजेक्ट मैनेजर असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, तो इसके अंदर जो आपको सब्जेक्ट अभी मैंने बताई है आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, जैसे कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश कंपोजिशन, कंप्यूटर, थ्रेमेटिक, सोशल जीके। और इन सब्जेक्ट को अपना पक्का कर लेना है, अपनी इसके अंदर पकड़ बना लेना है, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी आप लोग पूछ रहे थे कि आपका एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों अभी शायद एग्जाम की डेट नहीं आई है, जैसे ही एग्जाम की डेट आती है तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और दोस्तों अभी मैं आपको जो आपके अगले सवाल है उनके जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊं
कि कुछ लोगों के कल कमेंट आ रहे थे शाम के टाइम कि सर जो वेबसाइट है वो हैक हो चुकी है और जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो आगे नहीं हो पा रहे हैं और वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी क्योंकि लगातार वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं जिस वजह से वेबसाइट के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट हैक हो गई है। आप थोड़े टाइम बाद या फिर रिफ्रेश करते रहिए, आपको ऑप्शन मिलेगा और आप जो फॉर्म फिल करना चाह रहे हो आप वो फॉर्म फिल कर पाओगे। अब दोस्तों आपके जो कुछ और सवाल हैं उन सवालों के जवाब मैं आपको एक बार फिर से दे देता हूँ। अगला आपका जो सवाल है वह है, क्या जिन पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा है उन पर ग्रेजुएट योग्यता वाले कैंडिडेट्स बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये सवाल मैंने कल ही देखा था इसलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। इसने पूछा है कि जो पोस्ट है और उन पर एक्सपीरियंस मांगा गया है और क्या हमारे पास ग्रेजुएट की योग्यता है तो हम बिना एक्सपीरियंस के भी उन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा होता तो जो अभी वेबसाइट में बताया गया है कि आपको इन पोस्ट पर एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उन पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों आपका अगला सवाल आता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी होगा क्या? दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि जो आपका एग्ज़ाम है जिसका मैंने अभी आपको सिलेबस बताया है क्या इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे तो उनमें से जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको मेल या मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद आपकी 45 दिन की इंटर्नशिप होगी, उसमें जो लोग क्वालिफाई होंगे जिन लोगों की इंटर्नशिप होंगे उसका मतलब ये है कि वो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, उनमें से कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं निकाला जाएगा और वो डायरेक्टली उनको जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने कई बार ये सवाल का जवाब मैं आपको दे भी चुका हूं लेकिन फिर भी पूछ रहे कि आयु सीमा कितनी है। दोस्तों आयु सीमा के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा लेकिन मैं आपको उसके पहले पोस्ट के बारे में बता दूं। आप में से कुछ लोग पूछ रहे कि 12वीं पास कैंडिडेट्स भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने जो सबसे शुरुआत में वीडियो बनाई थी तब इसके बारे में इस भर्ती के बारे में सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ था तो उसमें मैंने एक अपनी वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगाया है उसमें मैंने लिखा हुआ है 10वीं 12वीं ग्रेजुएट। तो इसी वजह से लोगों के मन में आशंका आ रही है कि क्या इसमें 12वीं पास या 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वो वीडियो पहले की है, जब तक क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी रिलीज नहीं की गई थी तब तक हम लोगों को ये नहीं बताया गया था कि किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन बताई गई है उसमें मैंने अगली वीडियो में आपको बताया है कि 12वीं पास अप्लाई नहीं कर सकते और मैं आपको एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर भी बता रहा हूं कि 12वीं पास लोग इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। सभी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए निकाली गई है और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट निकाली गई है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि किन पोस्ट पर बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों आप जैसे ही जॉब्स BRLPS यानी कि बिहार जीविका की वेबसाइट पर आओगे तो 32 नंबर की जो पोस्ट है लाइवहुड स्पेशलिस्ट की, आप इस पोस्ट पर बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी, हॉर्टिकल्चर फ्रॉम निकोना इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, फ्रेशर कैन अप्लाई। आप यहां पर देख सकते हो कि इस पोस्ट पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है इनमें ऊपर डिसिप्लिन में तो आपको उसका अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। और इसके अलावा जो 36 नंबर की पोस्ट है इस पोस्ट पर भी आप बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की ये पोस्ट है, इसके लिए 1882 पद निकाले गए हैं। फ्रेश ग्रेजुएट मेल यानी कि जो फ्रेशर ग्रेजुएट हुए हो वो लोग इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैट्रिक फीमेल और जिन्होंने मैट्रिक की हुई है वो लड़कियाँ इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकती है और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका आपको एक अलग से फ़ायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर भी बता दिया कि आप इन दो पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो बिना एक्सपीरियंस के। और दोस्तों आगे जो आपकी जो एज लिमिट के बारे में जानकारी थी वो आप यहां पर देख सकते हो, दी मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन 10/2/2019 यानी कि 10 फरवरी 2019 तक। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एंड एरिया कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए जनरल मेल के लिए 37 साल है, मैक्सिमम 37 साल। फीमेल में UR BC EBC के लिए 40 साल है,
मेल बीसी ईबीसी के लिए भी 40 साल है, मेल एंड फीमेल एससी एसटी के लिए 42 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और नीचे जानकारी दी गई, रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल ओनली टू एप्लीकेंट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है इस भर्ती के अंदर वो सिर्फ उन्हीं दिया जाएगा जो लोग बिहार के कैंडिडेट्स हैं और इन कैटेगरी से आते हैं जिन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण। लेकिन अगर आप दूसरी किसी स्टेट से इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर माने जाओगे और आपको कोई किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर ये जानकारी देख सकते हो। और दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको कोई और सवाल भी है तो पहले तो आप इस नोट को एक बार रीड करें, रीड करने के बाद मुझे लगता है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर आपको जो जवाब सवाल है आपके उन सवाल के जवाब न मिले तो उसके अलावा जो भी मैंने आपको सवालों के जवाब दिए हैं इनके अलावा अगर आपको कोई और सवाल है तो आप बेझिझक ऐसे ही वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो आपका सवाल है वो इस वीडियो के अलग से अलग सवाल हो, यानी कि ऐसा ना हो कि मैंने आपको इन सवालों का जवाब पहले ही वीडियो में दे चुका हूँ तो मैं आपको अगली वीडियो में उन सवालों का जवाब नहीं दूंगा। आपको सवाल ऐसा पूछना है जिसका जवाब मैंने अभी नहीं दिया हो और जो यूनिक हो और जो लगता हो कि इस सवाल का जवाब आपको मिलना ज़रूरी है तो आपको अपना सवाल पूछ लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले क्योंकि उससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।